आरक्षण कोर्ट से या वोट से, आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं विजय मानकर आप पिछले मुकेश कुमार व अन्य विरुद्ध उत्तराखंड राज्य व अन्य पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस एल नागेश्वर राव व हेमंत गुप्ता द्वारा 7 फरवरी 2020 को एससी एसटी के आरक्षण पर दिए निर्णय से यह बात कोर्ट की नजर से स्पष्ट कह दी गई है कि अनुच्छेद 16(4) व 16(4)(a) के तहत आरक्षण यह मूलभूत अधिकार नहीं, उसे देना यह राज्य सरकारों पर कोई जवाबदेही निर्धारित नहीं करता है, बल्कि यह उनकी व्यक्तिगत पसंद या विचारों की संतुष्टि पर निर्भर है एवं कोर्ट द्वारा एससी एसटी का उचित प्रतिनिधित्व है या नहीं इसे देखने के लिए सरकारों को दिशा निर्देशित नहीं किया जा सकता। वैसे ही यदि कोर्ट के संज्ञान में भी यह लाया जाए कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, फिर भी कोई सरकारों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि आरक्षण देना यह सरकारों की सूझबूझ एवं अपने आप निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर निर्भर है, ना कि यह बंधन कारक है। वही पदोन्नति में आरक्षण या प्राथमिक पोस्ट में आरक्षण देने से पहले सरकारों पर यह बाध्यता रहेगी कि उन्हें एससी एसटी के प्रतिनिधित्व में कमी एवं जरूरत के आंकड़ों को प्रस्थापित करना होगा। कोर्ट ने अपने इस निर्णय में कई पूर्व के निर्णयों का संदर्भ लिया, जैसे कि अजीत सिंह दो विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब 1999, सीए राजेंद्रम विरुद्ध भारत सरकार 1968, इंदिरा साहने वर्सेस केंद्र सरकार 1992, एम नागराज जर्नल सिंह के व अन्य निर्णयों का भी संदर्भ लेकर आरक्षण के संवैधानिक कानून की नई परिभाषा की है, जिससे अब आरक्षण या जातीय भेदभाव को दूर कर समानता को प्रोत्साहित करने वाला प्रावधान इस निर्णय के बाद नहीं रह जाएगा, बल्कि यह राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर हो गया। हमारी समझ से संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 21 के प्रावधानों के मूल सार से यह निर्णय सुसंगत नहीं, पर जहां सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया है, वहीं एससी एसटी ओबीसी के लोगों के पास अब दो ही रास्ते बच जाते हैं। पहला कि वे अपने वोट का इस्तेमाल कर अपनी पार्टियों द्वारा सरकारों का संतुलन निर्धारित करें एवं दूसरा संविधान को सकारात्मक तौर पर सखोलता के साथ संशोधित किया जाए। अब कोर्ट से नहीं वोट से इसका समाधान निकलेगा, रिव्यू पिटीशन या संवैधानिक खंडपीठों से नहीं। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को पहले से ही परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहते आया हूँ। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि यदि आरक्षण का विस्तार हमें न्यायपालिका, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक पोस्ट, सुरक्षा सेवाएं एवं निजी क्षेत्र में अफर्मेटिव एक्शन के लिए करना है तो बगैर संविधान को सकारात्मक तौर पर संशोधित किए यह कार्य संभव नहीं, क्योंकि कोर्ट ने अनुच्छेद 14(4) एवं 4(a) की भाषा का विश्लेषण कर ही उपरोक्त निर्णय दिया है। एपीआई आरक्षण के विस्तार हेतु ऐसे सकारात्मक प्रयासों के लिए प्रतिबद्धित है। इस संबंध में मानव अधिकारों के दो बिल जो मैंने संसद को प्रस्तुत किए उनमें इन चीज़ों के प्रावधान हैं। यदि यह बिल निजी बिलों के स्वरूप में संसद में आते हैं तो एक नई दिशा इस पूरे विषय पर प्राप्त हो पाएगी। हमारा इस दिशा में प्रयास निरंतर जारी है एवं कुछ ठोस प्रगति होने के पश्चात आपको हम इस दिशा में अवश्य सूचित करेंगे। धन्यवाद।